सो फ्रेंड्स, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ क्वेरी टू गेट अ फर्स्ट रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल। यानी अगर मैं बात करूं तो अगर आपको यहाँ पे डेटा फेच करना है तो यहाँ पे फर्स्ट रिकॉर्ड ही आपको फेच करके डिस्प्ले करवाना है। यानी अगर मैं लास्ट यहाँ पे क्वेरी की बात करूं जिसमें हमने सारे डेटा रिट्राइव कर लिए थे, लेकिन अभी हम लोग जो क्वेरी करने वाले हैं उसमें सिर्फ स्पेसिफिकली हमें यहाँ पे फर्स्ट रिकॉर्ड जो है वही रिट्राइव करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे बताती हूँ कि कैसे हम लोग फर्स्ट रिकॉर्ड को ही रिट्राइव कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एसक्यूएल में जाएंगे और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। टेबल कौन सा है? एम्प्लॉय। ये तो हम करते ही थे, लेकिन उसके अंदर यहाँ पे लिमिट आपको ऐड करनी है। लिमिट यानी नेक्स्ट यहाँ पे वन, दैट मीन्स सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लिमिट वन। ये करने का मेन पर्पस ये होता है कि हम हमारे टेबल में से सिर्फ पहला जो रिकॉर्ड है उसको ही फेच करना चाहते हैं। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो कि सिर्फ पहला जो रिकॉर्ड है वो उसने क्या कर दिया है, फेच करके डिस्प्ले करवा दिया है। यानी आपको यहाँ पे क्वेश्चन यही तरीके से पूछा जा सकता है कि फेच फर्स्ट रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल, या फिर टेबल चाहे कोई भी क्यों ना हो, लेकिन जब आपको पहला डेटा अगर रिट्राइव करना है तो वहां पे आप लिमिट जो है उसको यूज करके डेटा रिट्राइव कर सकते हो यूजिंग ऑफ एसक्यूएल सिलेक्ट क्वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शायद उसको ही आपको यहाँ पे ऐसे भी पूछा जा सकता है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द फर्स्ट थ्री रिकॉर्ड्स फ्रॉम ए टेबल। यानी अभी हमें जैसा पूछा गया था कि फर्स्ट आपको रिकॉर्ड फेच करना है, उसी तरीके से आपको पहले तीन रिकॉर्ड्स को भी फेच करना है, तो उसकी क्वेरी क्या आएगी? कुछ नहीं, सिंपल है। यहाँ पे एसक्यूएल में जाना है और जहां पे हमने लिखा था सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल लिमिट वन लिखने पे सिर्फ आपको एक डेटा मिल रहा था, वहीं पे आप तीन लिख दोगे तो आपको यहाँ पे टॉप थ्री डेटा जो होंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले करके वो दिखा देंगे। यानी अगर आपके पास जो टेबल है उस टेबल में से अगर आपको डेटा पहले तीन डेटा रिट्राइव करने हैं तो वो आप लिमिट का यूज करके थ्री लगा के या फिर फोर, जितने भी आपको डेटा चाहिए ऊपर से वो यहाँ पे लिख के रिट्राइव कर सकते हो। हाँ।